सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, सो आर यू एंजॉयिंग द लेसन वी आर स्टडिंग दीज डेज? दिस समर वी आर स्टडिंग द लेसन द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, है ना? ऑन दिस लेसन आई हैव गिवन यू 7 वीडियोज, है ना? एंड इन दिस वीडियो आई हैव कम वंस अगेन विद एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, दोज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जाम्स फ्रीक्वेंटली। तो वट हैपन्स आई वुड लाइक टू मैंशन हियर कि बिफोर गोइंग फॉर एन एक्सरसाइज या एनी वीडियो ऑफ एनी लेसन एक्सरसाइज, यू शुड स्टडी द दैट लेसन फर्स्ट, है ना? ओनली देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट इट, है ना? ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ नहीं आएंगे जब तक कि आपने लेसन स्टडी ना किया हो। सो मैं कहूँगा कि पहले आप लेसन को पढ़िए, जाइए आप मेरे वीडियो नंबर 158 वेयर यू कैन get information about the lesson, about the writer, about its title, the summer of the beautiful white horse, and about the characters in this story. It is 158, go for it first. Then you should have an idea of the whole lesson. What is it about? The summary you can have my this video 159. Go for it, है ना? Just 22 minutes, है ना? And summary will be clear to you. And if you want to study this lesson in depth, line to line, these 5 videos, video number 160 on full explanation, 161, 162, 163 and 164, ठीक है? तो इन दिस वीडियो, है ना, वी विल स्टडी द एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो अगर आपने इन 7 वीडियोस को स्टडी किया है, एन्जॉय किया है, तो आप ये बता पाएंगे अगर मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करूं, हु वर आराम एंड मुराद इन द लेसन, है ना? कौन थे ये? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, है ना? मैं स्वागत करता हूँ आपका, I welcome you all in Vijay Kumar My New Classroom, है ना? Where learning is fun, activity based English teaching channel, बड़े interesting ढंग से हम यहाँ lesson study करते हैं। आप इसे subscribe ज़रूर करें, ठीक है? Subscribe करके bell icon ज़रूर दबाइएगा, तभी मेरे notification आने वाले videos के, आप जिस भी class में हैं, be it 10th, NCERT, 11th or 12th, है ना? We are studying as and when demands come of any particular lesson, we prepare video on that lesson. So here, if you have gone through these 7 videos from 158 to 164, you would like to know, है ना? Question अगर आ जाए, if it is asked from you, who were Aram and Morad? So you remember the story now. In its answer, you can write, they were cousins. Yes, they were not friends, they were cousins. ठीक है, चाचे ताए के थे वो, है ना? Aram was 9 years, you remember, and Morad was elder one, 13 years. Both of them were fond of horse riding. Both of them were fond of horse riding. Yes or no? है ना? एंड वट एल्स कैन यू टेल अबाउट दीज टू बॉयज, Aram एंड Morad? दे बिलोंग टू द गैरोगलेनियन ट्राइब ऑफ आर्मेनिया, है ना? गैरोगलेनियन ट्राइब से ये संबंधित थे, तो इट शुड बी इनफ इफ इट इज आस्क्ड इन 2 or 3 मार्क्स, है ना? दे वर कजन्स, Aram वाज 9, Morad वाज 13, दे वर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, है ना? इसी की तो सारी स्टोरी थी, समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स।
दे बिलोंग टू गारो गलेनियन ट्राइब, ठीक है, ऑफ आर्मेनियंस. सो यू कैन राइट दिस आंसर, ठीक है. नेक्स्ट वन, इफ आई आस्क यू, अराम सा मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, है ना, तो उसने एक लाइन कही, आई कुड नॉट बिलीव वट आई सॉ, है ना, नरेटर ने बोला था ना ये, तो वट वॉज सो अनबिलीवेबल एंड वाई. तो सो अनबिलीवेबल क्या था उसने, कि वो अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं कर सका, है ना, कि वो ड्रीम कर रहा है या रियलिटी देख रहा है, कि ये क्या है, क्या चीज़ थी वो. तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, वन डे इन द वी आर्स एट फोर, फोर इन द मॉर्निंग था ना मुराद जब घोड़ा लेकर आया था, है ना, द नरेटर सॉ हिज कज़न मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, है ना, इट वॉज अनबिलीवेबल, दिस वॉज द थिंग अनबिलीवेबल फॉर अराम. टू रीजन वो देता है ना, इट वॉज अनबिलीवेबल बिकॉज दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, गैरो ग्लेनियन ट्राइब, एंड बाइंग सच अ ब्यूटिफुल हॉर्स वॉज बियॉन्ड देयर मीन्स, मतलब ही नहीं था उसको खरीद लें, अनबिलीवेबल था. दूसरा रीजन ये था कि अनबिलीवेबल लग रहा था कि अराम हैड ए लॉन्गिंग फॉर हॉर्स राइडिंग, और आज वो सपना उसका पूरा होने वाला है. जिस चीज़ को हम लॉन्ग करते हैं वो सामने आ जाए अचानक, तो हमें लगता है अरे ये मैं रियलिटी है या ड्रीम है, है ना. तो ये था कि वो क्या विश्वास नहीं कर सका, आई कुड नॉट बिलीव वट आई सॉ, तो दिस वॉज द थिंग ही कुड नॉट बिलीव वट ही सॉ, आराम सॉ. और वाई, बिकॉज दे वर पुअर वॉज द रीज़न. सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, ठीक है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क फ्रॉम दिस लेसन इज, जो गैरो ग्लेनियन ट्राइब है उसके बारे में तीन बातें आई हैं इसमें, है ना. वट ट्रेट्स ऑफ द गैरो ग्लेनियन फैमिली आर हाईलाइटेड इन दिस स्टोरी, इन दिस स्टोरी वट ट्रेट्स ऑफ द गैरो ग्लेनियन फैमिली आर हाईलाइटेड, किन बातों को, किन गुणों को इस जाति के हाईलाइट किया है, है ना. तो आपने देखा कि गैरो ग्लेनियन ट्राइब जो फैमिलीज हैं देवर पुअर, इवन देयर एल्डर्स डू नॉट नो दे विल बी एबल टू अरेंज द इवनिंग मील और नॉट टू फिल देयर बेलीज, है ना. डिस्पाइट बीइंग पुअर देवर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, पहली बात, देवर नॉन देवर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी. एंड नेक्स्ट थिंग इज दे बिलीव इन वट इज राइट एंड वट इज रॉन्ग, कॉल स्पेड अ स्पेड, वट इज राइट एंड वट इज रॉन्ग, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, दोगलापन नहीं था, दे वर नोन फॉर. एंड थर्ड थिंग इज नेवर 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 ए गैरो ग्लेनियन विल टेक एडवांटेज ऑफ एनी बॉडी, नेवर अ मेंबर ऑफ ए गैरो ग्लेनियन फैमिली कैन नेवर बी अ थीफ, दे वुड नेवर स्टील, इसके लिए वो जाने जाते थे. नो मेंबर ऑफ द गैरो ग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, नहीं हो सकता. ये प्रूव करती है स्टोरी में आया जॉन बायरो वाला सीन, आप याद कीजिए, इवन जॉन बायरो व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक, है ना, जब वो उसकी अराम की मदर के पास आता है, वो कहता है कि कल ही तो मैंने देखा था आराम और मुराद को एक वाइट घोड़े के साथ, और आज मेरा घोड़ा वापस आ गया. तो इवन जॉन बायरो व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक डिड नॉट ब्लेम द टू बॉयज फॉर मिसिंग ऑफ हिज हॉर्स फॉर सो मैनी डेज, वो अपनी उसकी मदर को ये नहीं कहता है कि ये तुम्हारे बच्चों ने ये मेरा चुराया हुआ था. जब वो रैन इनटू होता है मुराद और आराम को रंगे हाथ, वो देख भी लेता है, तब भी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे परिवार को ना जानता कि तुम गैरो ग्लेनियन फैमिली से हो, आई वुड हैव सेड आई स्वेयर कि ये मेरा घोड़ा है, बट बिकॉज यू आर फ्रॉम गैरो ग्लेनियन ट्राइब दिस हॉर्स इज ट्विन ऑफ माय हॉर्स, ये तो उसका जुड़वा है, क्योंकि ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम गैरो ग्लेनियन फैमिली से हो, तुम चोरी नहीं कर सकते,
तुम मेरा घोड़ा चुरा नहीं सकते, ये कोई और ही घोड़ा है। तो दीज वर द फोर, है ना, ट्रेड्स ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली विच आर हाईलाइटेड बाय द राइटर हेयर इन द स्टोरी। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड द बॉय यू सा इन द एंड व्हाट हैपन्स, अराम एंड मोरा डिसाइड टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ट्री ओनर, है ना, ठीक है ना, काफ़ी दिन वो उसको एंजॉय करते हैं। तो मुझे ये बताइए आप, ये क्वेश्चन आता है, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसास्टिकन, उनकी आत्मा जाग गई थी, और बिकॉज दे वर एफ्रेड, या वो डर गए थे, आप क्या समझते हैं इस बारे में। तो एव यू हैव स्टडीड इन द स्टोरी यू कैन गो फॉर समरी एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। यू हैव सीन इन द स्टोरी दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ देयर कंसाइंस बीइंग स्टिकन, प्रश्न ही नहीं था ये तो कि उनकी आत्मा जाग गई हो, क्योंकि उन्होंने वो चुराया नहीं था, क्योंकि आराम ने भी ये कहा था, स्टीलिंग ऑफ ए हॉर्स फॉर राइडिंग, है ना, इज नॉट इक्वल टू द स्टीलिंग ऑफ मनी। अरे हमने तो बेचने के लिए थोड़ी चुराया है, हमने तो थोड़े दिन राइडिंग के लिए अपने पास रखा है, हम इसको वापस कर देंगे। दे डिड नॉट थिंक दे हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, सो देर वॉज नो क्वेश्चन कि हमारी उनकी जो है कंसाइंस टिकन थे इसलिए वापस किया। दे डिड नॉट थिंक देयर एक्ट ऑफ टेकिंग जॉन बायरोज हॉर्स वॉज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग एज दे बिलीव दैट दे आर नॉट गोइंग टू सेल द हॉर्स फर्दर, rather they kept it with them just to enjoy horse riding only। उन्होंने अपने पास रखा सिर्फ horse riding के लिए, they simply wanted to enjoy the horse riding for some time। when it was known that John Byro was looking for his lost horse, Mora decided to return it। जब उन्हें लगा कि मुराद ने पूछताछ शुरू कर दी है तो उसने सोचा कि चलो अब वापस कर देते हैं, बहुत दिन हो गए। बट द नरेटर हैड नॉट लर्न्ड टू राइट, सो मुराद एग्रीड टू कीप द हॉर्स फॉर अनदर 6 months। जब नरेटर ने ही उसको एक तरह से जिद की, है ना, इंसिस्ट किया कि नो यू कीप इट विद अस फॉर अ ईयर, तो मुराद सेड नो नो नो, अ ईयर विल बी इक्वल टू स्टीलिंग ऑफ द हॉर्स, we will keep it for 6 months। but then one day John Byro, hai na, saw the two boys with the stolen horse, he did not suspect them of being thieves। unhone bilkul shak nahi kiya us par kyunki wo janta tha ki ye Garoglenian boys hain। but the boys were frightened so they went quietly and left the horse at Byro's farm। it was because they knew John Byro and his belief that Garoglenian tribe boys can never be thieves, they decided to give it back to its owner। they wanted to keep this belief about their tribe intact। वो चाहते थे कि ये जो हमारे जाति के बारे में विश्वास बना हुआ है ना, वो टूटे ना, ये था वो डर भी हम नहीं कह सकते, है ना, कंसाइंस टिकन भी नहीं कह सकते, तो बस वो इतना चाहते थे कि ये जो हमारा परंपरा है ना, कि चोरी नहीं कर सकते हम, ठीक है, वो ना टूटे, इसलिए उन्होंने दे डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स, है ना। यू कैन राइट दीज लाइन्स इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि वाई द बॉयज डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स। ठीक है, दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, दोज विच आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन फाइनल एग्जाम्स, है ना। I think it should be enough, but still if you say any question coming out, hai na, in your mind, feel free to ask me, hai na, go to comment section। and if you want to enjoy my earlier 7 videos on this lesson, hai na, I will give its link in my description below, unhe aap zarur dekh le, channel ko subscribe kare, ye video acha laga hai aapko like karna mat bhuliye, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्लासमेट्स में भी कमेंट कीजिए मुझे आपको कैसा लगा, है ना, आपके कमेंट बड़े वैल्यूएबल होते हैं मेरे लिए, सजेशन भी मुझे दीजिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एंड कम आउट विद
improved version of my future lessons. I will see you next week with a new lesson. Till then, bye bye. Love your life, live your life. Take care. Thank you.